हाय फ्रेंड्स, दिस इज जवाद एंड यू आर वाचिंग इन्फोकेम चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि हमने किस तरह अपने एड्स को अपनी गेम में इंटीग्रेट किया था, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ऐप को किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं और किस तरह एरर से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। सो फ्रेंड्स, मेरे पास तो अभी ऐप पहले थी लेकिन मैंने वो डिलीट कर दी थी। तो अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ गूगल पे के जो आपको एरर आते हैं जब आप APK फाइल जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद भी आप जब फाइल को ओपन करते हैं तो उस टाइम पे आ जाता है कि ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग या इस तरह के जो एरर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं। पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जिस तरह के अनफॉर्चुनेटली ऐप हैज़ स्टॉप्ड, ये एरर हो गया, ठीक हो गया, तो फ़ोन है स्टॉप या इस तरह के ना अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो एरर्स आते हैं वो क्यों आते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इन एरर से हम किस तरह बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस गेम सीरीज में आपको इसलिए स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हम बिल्कुल परफेक्ट काम करें ताकि बाद में हमें कोई परेशानी का मसला ना हो, तो इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा हूँ। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कुछ लोगों ने इस तरह का ट्राई भी किया होगा तो उनकी APK फाइल जनरेट तो हो जाती है लेकिन जब वो मोबाइल पर प्ले करते हैं तो उनको इस तरह के कुछ एरर्स आते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह हल करते हैं, शुरू में मैंने भी जब बनाई थी तो मुझे इस तरह काफ़ी एरर्स आते थे और फिर मैंने जो है ना इसका सर्च किया बहुत ज़रा काफ़ी, तो उसके बाद मुझे सोल्यूशन मिल गया इसका। तो मैं वही सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, ठीक होगा फ्रेंड्स। तो ये सोल्यूशन कैसे है वो हम बिल्ड बॉक्स में आके हम चेक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये तब आता है कि जब हम अपनी गेम बना लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट, उसमें हमने ऐड भी लगा लिए, ठीक होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू का बटन है, यहाँ पे एटलेसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, अब इस एड्रेस वन है जो, यानी कि इस पर हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है ऑप्टिमाइज नंबर ऑफ स्प्राइट्स 9, तो ये ऑप्टिमाइज हो गया। इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी, जो विड्थ वगैरह थी, ठीक हो गया, वो सारी ऑप्टिमाइज हो गई हैं। तो यहाँ से उसके बाद हम दोबारा रीबिल्ड भी पे भी एक बार क्लिक कर देंगे। तो ये हमने एक ऑप्शन करना लाजमी, क्योंकि ये इनकी वजह से आ रहा था, क्योंकि हमारे ग्राफिक या तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, या तो बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो मोबाइल पर नहीं चल सकते सही, तो हमारे वो नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला या अनफॉर्चुनेटली ऐप है स्टॉप वो वाले एरर आ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हमने एक बार व्यू से यहाँ से चेक करना है, उसके बाद सेकंड हमने टूल्स में आना है यहाँ पे, और हमने करना है कि रिमूव अनयूज लेवल ऑब्जेक्ट्स, तो जो नहीं यूज होते उनको भी हमने करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रिमूव डेड यूनिट ऑब्जेक्ट्स 1, तो इसको मैं ओके कर दिया। नेक्स्ट दोबारा टूल पे आके रिमूव अनयूज इमेज ऑब्जेक्ट्स, इसको भी मैंने, ये 0 है इसको, ठीक है। उसके बाद रिमूव अनयूज साउंड ऑब्जेक्ट्स, इसको भी ओके कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है रिमूव अनयूज सीन्स, इसके क्योंकि 5 हैं तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद रिमूव अनयूज कंपोनेंट्स, ये 13 है, इसको भी मैं ओके कर दिया दोस्तों। तो फ्रेंड, अब इसके बाद हमारा जब हम APK फाइल जनरेट करेंगे तो उस टाइम पे मोबाइल पे जब हम प्ले करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि नहीं आएगा एरर, ठीक हो गया। अगर आ गया तो उसको हम देख लेंगे ठीक होकर बाद, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको इसके बाद आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपका एरर कोई नहीं आएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और आपको मैं टिप दे दूं कि या जब आप फाइल कोई बना रहे होते हैं कोई गेम, तो उस टाइम पे आप उसको सेव कर लीजिए, सेव एज़ करके आप दो फाइल, यानी कि मैं अब इसको अगर सेव करता हूँ, ठीक होगा, तो मैं इसको सेव एज़ करूँगा, तो इसको आपने ना दो दो फाइल के नाम से सेव करना है। किस तरह दो, यानी कि अब मैं माई गेम प्ले 1 इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक बार इसमें मैं सेव करता हूँ, ठीक है, यस पे क्लिक कर दिया। एक बार दोबारा मैं एक और फाइल इसकी नेम चेंज करके यहाँ से मैंने उससे भी मैं सेव करता हूँ। ये क्यों करता हूँ, ये मैं बैकअप के लिए एक फ़ाइल रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस तरह मेरे जब गेम्स एंड तक पहुँच जाती थी, बन जाती थी, लेकिन जब एंड पे क्यों आता है तो वो मेरी फ़ाइल क्या होती है, वो क्रैश हो जाती है और वो ओपन ही नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से बैकअप के लिए
एक साथ आपने दो दो लाजिम बनानी है अभी से, ठीक है, ताकि ये आपको बाद में मसला ना हो। अभी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप, यानी कि मैंने माई गेम प्ले वन इस पर भी सेव किया था, अब मैं माई गेम प्ले वन ये भी एक फाइल एज अ बैकअप के लिए रख रहा हूँ, और इसमें भी ये काम वर्क सेव कर रहा हूँ। यहाँ तक जो हमारा वर्क हो गया वो यहाँ पे सेव हो गया, ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ से क्या करना है, फाइल में जाना है और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है। हम अपनी गेम में iOS में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी, इसी तरह अमेजोन हो गया, OS X, TV OS, विंडोज स्टोर और विंडोज XE और स्टीम वगैरह, इन सब पे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम सिर्फ यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने सिर्फ एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। तो अब क्या रहा है कि नो बंडल ID स्पेसिफाइड, इसको हम पहले सेट कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको मैं कैंसिल करता हूँ, सेटिंग्स में आएंगे यहाँ पे। तो सेटिंग्स में आके यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी गेम का जो आइकन है यहाँ पे वो लगा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फोल्डर में, कोई इमेज उठा के गेम को एज आइकन देता हूँ। तो ये Plane 3 है, इसको मैं एज अ गेम के आइकन पे इम्पोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा गेम का आइकन हो गया। नेक्स्ट यहाँ से गेम का नेम आ जाता है, ठीक हो गया, माई गेम प्ले जो कि नेम है यहाँ पे वो रखा हुआ है, आपकी जो गेम है उसके मुताबिक आपने नाम रखना है। यहाँ से स्कोर टाइप डिस्टेंस है, वही सब चीज़ें सेट हैं बिल्कुल, गेम का वर्जन 1.0। यहाँ से आपने एप्लीकेशन स्टोर क्या करनी है, गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि आप एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं। और बंडल ID यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, अब com.info, आप कोई भी, आप कंपनी का नेम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे com.info कैंप डॉट यही रख देता हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट इन सारी चीज़ों को आप रहने दें इनको, ठीक है, तो इनको हमने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट यहाँ पे सारी सेटिंग्स हमने की हुई है, एडवर्टाइजमेंट में हमने क्या करना है, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर करना है, और यहाँ पे जो अपना एड बैनर लगाया हुआ है यहाँ से हमने वो चेक करना है। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करना है। अब हम उसके बाद अपनी एक्सपोर्ट करेंगे एंड्रॉयड फाइल। तो ये हमने एंड्रॉयड एक्सपोर्ट होगी, अभी हमसे पूछेगा कि कहाँ सेव करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही रख रहा हूँ, डेस्कटॉप पे, और ये कौन से माई गेम प्ले वन के नाम से सेव हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमने सेव कर देगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह अपनी फाइल को एंड्रॉयड स्टूडियो में इम्पोर्ट करके वहाँ से हम उसकी APK फाइल जनरेट करेंगे, ठीक होगा फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट हमारे कोर्स जो है कंप्लीट होने पे आ रहा है, ठीक है, तो इंशाल्लाह लास्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह APK फाइल जनरेट करते हैं इस कोर्स के मुतालिक, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।